All right, G, once again, welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is, of course, it's an unreal morning this morning because we think, you know, this Pakistan has actually lost. और मुझे लग नहीं रहा है कि हम यू नो सेमीफाइनल तक पहुंच सकेंगे बट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम सेमीफाइनल तक पहुंच सकेंगे बट विल सी कि क्या होता है क्या नहीं होता सलीम मलिक इज़ विद अस एंड अब्दुल रुफ साहब विद अस सर हाउ डिड यू लाइक दिस मॉर्निंग न्यूजीलैंड प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आप इतने मेरा दिल नहीं है इतने उदास हैं कि आपको यार इंटरेस्ट छोड़ दिया आपने नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं आई थिंक इट जस्ट इट बॉइल्स डाउन टू दिस वन थिंग आई वाज थिंकिंग कि हम कल का मैच जीत जाएंगे एंड आई वाज थिंकिंग कि उसके बाद फिर चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी आई मीन आई वॉच ऑस्ट्रेलियाज बैटिंग टुडे दिस मॉर्निंग और मुझे लगा कि वो लोग जीतने के लिए आए हैं डेविड वॉर्नर ट्रेविस हेड आई मीन आप उनको देखें जिस तरह से वो लोग खेले हैं इट वॉज अमेजिंग टू वॉच व्हाट डू यू थिंक सर देखिए आज एक चीज़ आप नोट करें कि उन्होंने माश की जगह टोटली बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया मतलब उनको कोई खौफ नहीं है कि हमने हमारे प्लेयर ने माश ओपनर है हमने आप बंदा भिजवाएंगे तो वो मुसीबत होगी और नए प्लेयर ने हेड ने हेड ही है ना उसने उसने देखें 67 बॉल पे 100 कर दिया वार्नर तो ऑलरेडी अच्छा खेल ही रहा था पर एक नए बैट्समैन का आके कितना कॉन्फिडेंस उसको होगा अपने प्लेयर पे कि उसने आके 100 कर दिया और उसको कंपेयर करें अगर आप हमारे प्लेयर्स के साथ सॉरी मैं हम वापस अपने प्लेयर्स पे आ जाते हैं तो हम डर के चेंज ही नहीं करते हम डर के हम रिस्क नहीं लेना चाहते ना हम देखें जब आखिरी ओवर्स में मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ बात को जब उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर था हम इतने खौफ में तारी होते हैं कि मैच ना हार जाए मैच तो हम वैसे भी हार गए थे कल अगर हम थोड़ा सा अटैक करते थोड़ा सा उस वक्त अटैक करते देखे सबसे ज़रूरी था उस वक्त अटैक करना जो मैं कल भी कह रही उसामा को बॉल करवाई जाती दो फील्डर ऊपर रखे जाते दुनिया का कोई टेल एंडर वहाँ होता ना उसने हिट मारनी मारनी थी फील्डर ऊपर दे के और वही आपके पास एक मौका होना था कि आप उसको आउट करने का कोई ऐसा सर इसके अलावा भी जब आपके फास्ट बॉलर्स बॉल कर रहे हैं जब हारिस ने कैच लिया है नगीरी का तो उसके बाद जो सेकंड बॉल थी वो एक्सपेक्टेड ये था कि यॉर्कर है एक्सपेक्टेड ये था आप उसको जड़ में डालेंगे एंड सेंट्रल जो आपकी जो यॉर्कर तो टांगों में जान कह के थक गया नहीं आई एम जस्ट सेइंग कि दैट वाज एक्सपेक्टेड ना सर देखिए सबसे बेसिक चीज वो है कि आप प्रोफेशनलिज्म की कमी है हमें हमारा चेयरमैन से लेकर नीचे तक किसी किस्म का कोई प्रोफेशनलिज्म हमारी टीम में नहीं है आपको याद है कि पहले मैच से मैं कह रहा हूँ कि ये जो बाकी टीम है इनकी रिप्लेसमेंट प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है इनका बेंच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ये किसी भी प्लेयर को किसी टाइम पे भी रिप्लेस कर देती हैं और जो रिप्लेसमेंट पे आता है वो उससे ज़्यादा परफॉर्म करता है आप विलियमसन की मिसाल आपके सामने है उनको रिप्लेस किया विल यंग से उसने 250 कर दी आज ट्रेविस हेड आया उसने 62 बॉलों पर सेंचुरी कर दी साउथ अफ्रीकन कैप्टन बुमा की जगह पे हैंड्रिक्स खेले उन्होंने पहले मैच में 90 कर दिया सब टीमों के पास रिप्लेसमेंट है इवन के जो हार्दिक पांड्या इंडिया के और वर्ल्ड के नंबर वन ऑलराउंडर शुमार होते हैं वो इंजर्ड हुए इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा शामी ने उनको रिप्लेस किया पहले मैच में वापस आए 5 विकेटें की ली हमारे पास रिप्लेसमेंट प्लान किधर है हमारा बेंच स्ट्रेंथ किधर है हमारे पास हमारे दोनों ओपनर्स हैं देखिए फखर जमान सलीम भाई कल कह रहे थे कि उसको खिलाना चाहिए लाजमी पिछले 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है उसको इन्होंने कैरी किया साथ ठीक है आज अगर कोई और ओपनर उसकी जगह पे हमारा रिप्लेसमेंट बेंच पे होता है तो इमामुल्लाह किसी सूरत भी इस वर्ल्ड कप में इमामुल्लाह की जगह नहीं बनती जिस तरह की वो इनिंग खेल रहा है अच्छा मैं आमिर सुहेल का एक तबसरा सुन रहा था अबाउट यू नो नवाज तो ही वाज सेइंग कि पहले तो नवाज से बॉल ही नहीं करवाना चाहिए था पहली बात तो कि नवाज से वो ओवर नवाज का था ही नहीं जो आपने नवाज को दिया दूसरी बात ये कि नवाज पाकिस्तान के लिए खेल नहीं सकते उनको लगता है ऐसा उनको ऐसा लगता है मैं उनकी बात कोट कर रहा हूँ तो व्हाट डू यू गाइस थिंक सर नवाज पे तो देखे ना इसी पाकिस्तान देखें मैं बिल्कुल ये ऑफिशियल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं 2016 के वर्ल्ड कप में ये एंटी करप्शन यूनिट में ये रिपोर्ट हुए थे इनके साथ किसी बुकी ने रब्ता किया था इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं बताया था जब पता चला आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट को उन्होंने पाकिस्तान के एंटी करप्शन यूनिट को लिखा
उन्होंने इनसे इनको बुलाया और इनको बैन कर दिया। और इनको देखें ना आप, फेवर किस तरह करते हैं, बैन उस दौरान किया जब सीजन ऑफ था, किसी किस्म की पाकिस्तान में या दुनिया भर में कोई क्रिकेट नहीं हो रही थी। इन पर 6 महीने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगाया और 6 महीने में कोई क्रिकेट नहीं थी ना पाकिस्तान में ना कहीं। और उसके बाद इनका स्टेट जो कम बैक हुआ वो PSL में हुआ, ठीक है। जब आप फेवर करेंगे, 6-7 साल से आपने कैरी किया हुआ इस बंदे को, और मुझे बताएं कि आपने इसकी रिप्लेसमेंट पे क्या तैयार किया हुआ है। आपने कोई 20 बच्चे ज़ाया कर दिए, टॉप क्लास ऑलराउंडर थे हमारे, जनूबी पंजाब से थे, मुल्तान से थे, आपके कराची या उधर पेशावर से थे, कई लड़के आए, उन सब का कैरियर बर्बाद कर दिया यारियों दोस्तियों ने और एक्स्ट्रा फेवर ने। और एक्स्ट्रा फेवर इनको कौन कर रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको एक्स्ट्रा फेवर कर रहा है। अगर एक बंदा रिपोर्ट हुआ, आपने क्यों उसको दोबारा खिलाया? ठीक, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा इज प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन, दे से शाइन विद स्पार्क, एंड ऑफ कोर्स ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। हर पता हमें पता है, आई फॉरगॉट टू से दैट इन द यू नो इन द बिगिनिंग। मैं पता है, मुझे ना आई वाज वाचिंग, हुआ क्या, आई वॉज वॉचिंग ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ना सुबह सुबह, तो जब ट्रेविस हेड आया है तो जाहिर है मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि इसको क्यों बुलाया, लेकिन बट वेन ही स्टार्टेड प्लेइंग देन आई रियलाइज कि इसको क्यों बुलाया, एंड ही वॉज देयर टू प्ले। न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक अच्छा खासा बॉलिंग अटैक है, सबसे बेस्ट बॉलर, और जो उन्होंने ट्रैश किया उसको, आई मीन इट वॉज अनबिलीवेबल। एंड डेविड वॉर्नर, आप उसको देखे किस तरह से वो वापस आया है, उसने 90 किया है और उसका 90 इट वॉज अ साइट टू वॉच। तो हमारे यहाँ इमाम उल हक या कोई और इस तरह की परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे सकता? भाई देखें, आपने शायद वो आखिरी मोमेंट आपको याद हैं कि नहीं याद, मगर मैं देख रहा था कि नवाज को ओवर देने से पहले बाहर देखा गया कि किसको बॉल करवाएं। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे कप्तान का ये हाल था कि बाहर से इशारा हुआ तो उसने हाथ का यूँ इशारा किया और उसको बॉल करवाया। जब आप अंदर डिसीजन खुद नहीं ले सकते, बाहर से इंस्ट्रक्शन लेनी है तो आप सलीम भाई मान लिया, चले बाहर से इशारा हुआ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बाहर से इशारा हुआ। मैं कहता हूं जी, अमेरिकन फुटबॉल अगर आप देखें तो अमेरिकन फुटबॉल में भी कोच बहुत सारे प्लेस कॉल करता है। चलो मैंने मान लिया, मैंने ये भी मान लिया, इट्स ओके। मुझे ये बताएं, जो बॉल की गई है, जिस पे चार लगा है, वो बॉल करने वाली थी? दोनों से क्वेश्चन देखें उस प्लेयर के बारे में। ये मैंने अक्सर प्लेयरों से पूछा कि यार ये क्या है, ये बंदा कैसे, वो कहते हैं साईं है, इसको हिट मार देता है बस, जब दिल करता है हिट मार देता है, उसको कुछ अकल नहीं है क्रिकेट की। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारे प्लेयरों से सुना। मैंने कहा कमाल है यार, इतनी देर से ये पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और साईं है, और जब आपने साईं को आखिरी ओवर दे दिया है तो फिर उसने तो उसकी अपनी, आप ये देखो साहर भाई के साइड पे वी हैव गॉट अ न्यू नेम फॉर नवाज, वो हमारा साईं एक आता ना साहर भाई, आप ये देखें उसकी साईं की ये हरकत देखें कि आपने ऑफ साइड पे फील्डर लिए हुए हैं, आपने टांग पे बॉल कर दी, इससे बड़ा साईं क्या होगा? अब क्रिकेट में कोई बंदा अकल वाला ये हरकत करेगा? मैं आपको कल भी कहा था कि रिस्ट स्पिनर से बॉल टांग पे गिर सकती है, फुल टॉस गिर सकता है, कंट्रोल नहीं हुआ, वो फिंगर स्पिनर का तो बहुत कंट्रोल। लुक एट दिस, वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि हम सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं, उनके लिए मैं एक चीज आपको बता दूं, साइयों से क्वालिफाई नहीं कर सकते। नहीं सर, लुक एट दिस, मैं आपको अभी बता रहा हूं, साउथ अफ्रीका का जो रन रेट है, एंड ट्रस्ट मी, अगर ये रन रेट पे आता है तो भी मैं आपको बता रहा हूं, साउथ अफ्रीका का जो रन रेट है वो 2.032 है, ये साउथ रेट है। इंडिया का जो रन रेट है 1.353 है, ये रन रेट है इंडिया का। अगर हम सिर्फ रन रेट की बात करते हैं, पॉइंट्स इंडिया के भी 10 है, साउथ अफ्रीका के भी 10 है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने खेले हैं 6 मैचेस, इंडिया ने खेले हैं 5 मैचेस। न्यूजीलैंड का रन रेट है 1.481, इसने भी 5 मैचेस खेले। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैचेस खेले हैं, इसका रन रेट है 1.142। आज न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया अपना 6ठा मैच खेल रहे हैं। श्रीलंका ने भी 5 मैचेस खेले हैं, इसका रन रेट है -0.205। और पाकिस्तान का रन रेट है -0.387, 6 मैचेस पाकिस्तान ने खेले। सो हियर इज माई क्वेश्चन, कैसे क्वालिफाई करेंगे हम? आप किसी तरह से भी, अगर मुझे नहीं पता कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और आज तक हमने कैसे ही उम्मीदें लगाई नहीं है कि कल के बाद, कल यस, अगर हम कल ये मैच जीतते तो सिचुएशन डिफरेंट होती, कल मैच हार गए हैं। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी एग्जिटेड फ्रॉम द सेमीफाइनल रेस, बाकी आप लोग देख लीजिए। मेरी तो जो चार टीम है, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि जितनी देर आप मैचेस नहीं जीतेंगे, आप रन रेट पे किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं जब आप मैच ही नहीं जीतेंगे? आपके 4 से 6 पॉइंट ही नहीं
एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पे बात करते हैं, वो भी राइट बैक। All right, once again, welcome back. अभी अभी तिला मिली है। Netherlands have won the toss and elected to bat. Netherlands versus Bangladesh, दो matches खेले गए जिसमें से एक Netherlands ने जीता, एक Bangladesh ने जीता। Last match जो है Bangladesh ने 6 wickets से जीत लिया था 2011 में, लेकिन उसको भी काफी अरसा हो गया है। ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों टीम्स के लिए, बिकॉज आई थिंक बोथ ऑफ द टीम्स आर आउट फ्रॉम द सेमीफाइनल रेस, लेकिन बहरहाल इससे भी फर्क पड़ सकता है पॉइंट्स टेबल के अंदर। सलीम भाई, what do you expect, क्या होगा आज? मैच होगा बस, हम देखेंगे, इससे ज्यादा इंटरेस्ट कोई नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि हमारा डायरेक्टली इंपैक्टफुल नहीं है। एक वर्ल्ड कप का मैच है, हाँ। इसको आप इस तरह ले सकते हैं, दोनों टीमें देखें ना तो ये क्वालिफाई कर सकती हैं और ना नहीं, अगर सलीम भाई हम क्वालिफाई कर सकते हैं तो बांग्लादेश भी कर सकते हैं। हाँ ये है, वो भी सोच रहे होंगे, हाँ, अगर आज मैच जीत जाते तो 4 points हो जाएंगे मेरे ख्याल, उनके लोग भी ये सोच रहे होंगे उनके भी दुआएं मांग रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिसके बारे में हम जिक्र नहीं कर सकते, तो अगर ये कुछ ऐसी बातें करें तो प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। इन्होंने फकीर वाली वीडियो देखी है यार मेरी बात सुने, मैं क्यों ना बात करूं जब आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके मामूल अलग बातें करते हैं कि भाई इस मैच ये मैच देखें हम डिफरेंट रिजल्ट देंगे। पिछले मैच में जो उससे आ रहे थे अफगानिस्तान से, उसने असन अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा आज हम हिस्ट्री बदल देंगे, गाड़ी आगे कोई छूट गई है, पेट्रोल। कल आपका जो कोच है हेड कोच मिकी आर्थर, वो बयान दे रहा है कि हम हमारे अभी भी चांस है सेमीफाइनल में पहुंचने के। सर जब वहां पर बैठे लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं तो सर, जिसको मिकी आर्थर जिसको शीशा नजर नहीं आता टकरे मारा, वो तो इस किस्म की बातें करेगा। अगर मिकी आर्थर ये कह रहे हैं कि हम पहुंच सकते हैं, तो मेरा मिकी आर्थर से सवाल है हाउ, कैसे, व्हाट इज द मैच? वो मेरा ख्याल है वो सोच रहा है कि शायद वो दोबारा डर्बी शायद पहुंच सकता है। नहीं, माय क्वेश्चन इज, यूं अगर हम ऐसे करने लगे तो ऐसे तो आप मुझे बताएं, हम तो सारा मैं पीएचडी कर रहा हूं एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, तो ऐसे अगर हम इन प्रोबेबिलिटीज पे जाएं तो मैं 18 कॉन्स्टेंट्स लेके मैं तो आइंस्टाइन की थ्योरी को गलत कर सकता हूं। अगर ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, बट इन रियलिटी दैट डजंट हैपन, इन रियलिटी इट्स नॉट गोना हैपन, इट्स एज सिंपल एज दैट। देखें रियलिटी क्या, रियलिटी में क्या होना चाहिए, रियलिटी में सबसे बेसिक चीज टीम सिलेक्शन मेरिट भी होनी चाहिए, रियलिटी में दूसरी चीज ये है कि जो अनफिट है वो उनका फिटनेस टेस्ट लेना चाहिए, उनको ऐसे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। नंबर रियलिटी में नंबर 3 ये है कि जो आपके कोचिंग पैनल है वो सिफारिश पे सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। रियलिटी में नंबर 4 पे जो आपका चीफ सिलेक्टर है वो सिफारिश पे, ये नहीं कि उसको पकड़ के ले, वो फारिग बैठा हुआ बेरोजगार है उसको चीफ सिलेक्टर लगा दे। रियलिटी में ये है कि जो आपका जो डायरेक्टर डोमेस्टिक है वो किसी की सिफारिश पे नहीं आना चाहिए। शायद भट्टी लगे हैं आप। रियलिटी में ये है कि जो मैं भट्टी साहब का बहुत बड़ा फैन हूं, नेशनल कमाल आदमी है, बहुत कमाल आदमी, वो मैच नहीं आना चाहिए। सर आपका टोटल पूरे का पूरा सिस्टम ही सिफारिश पे है, तो फिर रियलिटी की हम किधर बात करें। भोले आ गए, भोले भाई अस्सलाम वालेकुम, हम कैसे हैं आप? हमारी प्रेडिक्शन थी भोले की, अब तो गलत हुई है, जिस टीम के लिए कहता है वो टीम हार जाती है। और मजे की बात है आज ऑस्ट्रेलिया ने पता नहीं लंबा स्कोर किया और आज ऑस्ट्रेलिया लिखा होगा, भोले को कोच लगा दे, भोले को ऑस्ट्रेलिया को ना पड़ जाए, भोले को हेड कोच लगा दे। ओए ओए, मैं उससे अच्छा, ये लिखा है जी ऑस्ट्रेलिया क्योंकि अब वो रुकने वाले नहीं, इसके नीचे लिखा है अब वो रुकने वाले नहीं, ये भोले की प्रेडिक्शन है, भोले की प्रेडिक्शन। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया 400 करके भी हार जाएगा क्यों? बेगम कैसी हैं आपकी, भाभी कैसी हैं, ठीक हैं पक्का? हाय थैंक यू वेरी मच। और क्या चल रहा है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच रहा है? नहीं यार भोले, तूने फिर हमारे कोच को नहीं सुना, हमारे कोच को तो सुनो, वो कह रहे हैं हम पहुंच सकते हैं। कोच गोरा मिकी आर्थर बोले गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे अभी तक हम। थैंक यू दोनों, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे साहिर भाई एक वाकया मैं सुनाना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाजत दें। सर आज तो सारे वाकया ही सुनाए आप आपको सुनाया एक, आप हंसी अभी तक आपकी रुकी नहीं है। ये ब्रेक मुझे ऐसे से लतीफे सुनाते अगर आप, मैं कह रहा हूं सलीम मलिक साहब क्रिकेट के लेजेंड है, मैं नहीं कहता क्रिकेट के लेजेंड है, लेकिन अगर ये शो बिजनेस में होते मैं आपको बता रहा हूं इनसे बेहतर कॉमेडी की टाइमिंग बड़े कम लोगों की देखी आपको मैं कह रहा हूं, आप मुझे चांस ही नहीं दे रहे। फकीर वाला सुना देना यार। सहर भाई हम, आपने इंग्लैंड में कभी देखा है अंधों को? जी देखा है। उनके साथ उनको कुत्ता लेके चल रहा होता है, वो उसकी आंखें में वो कुत्ता होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली के हमारे जो ऊपर टॉप के लोग बैठे होते हैं ना, उनका हिसाब टोटली वैसा ही है।
वो उनकी आंखें कोई नहीं है, उनके कान कोई नहीं है, वो आते हैं बाहर से उठा के उनको हमारे ऊपर बिठा मुसल्लत कर दिया जाता है। और फिर वो किससे पूछते हैं, जिसने जो जो डोमेस्टिक का हेड लगा होता है, एकेडमी का हेड लगा होता है, जिसने एक टेस्ट मैच आधा वनडे खेला होता है, उनसे पूछता है यार अब क्या करें। वो कहते हैं सर वो बड़ा अच्छा है उसको लगा दें, वो उठा के उसको लगा देते हैं। वो सर वो कोच किसको होना चाहिए इसको कर दें, बाहर वाला बंदा कौन सा कोचिंग अच्छा कर रहा है, वो उसकी अपनी जहनीत कुछ नहीं होती है। ऑब्वियसली जब सिस्टम नहीं होगा वो उसका वो जिधर जिधर वो उसको लेके चलता है ना वहीं चले जाते हैं, आंखें बंद होती हैं, वो उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो आई थिंक जब तक हमारे पास क्रिकेट में कॉम्पिटेंसी नहीं आएगी ना, जो लोग कॉम्पिटेंट हैं उनको नहीं लेके आ जाएगा, तब तक ये चीज़ें ऐसी रहेंगी। अच्छा फिर नीयत भी होनी चाहिए, क्या हमने ये सोच लिया है कि हम क्रिकेट को ऐसे ही चलने देंगे? मेरे ख्याल में अब तब्दीलियां आएंगी, चेंजेस आएंगी, बिकॉज आई थिंक हम सब के सब फेडअप हो चुके हैं। सर चेंजेस आएंगी, मैं आपको बताता हूँ क्या आएंगी। क्रिकेट बोर्ड में जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर उनको उठा के अकेडमी में कर दिया जाएगा, 2-3 माह के बाद आप वापस आएंगे, आप PSL में अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो बंदे वापस क्रिकेट बोर्ड में वापस आ जाएंगे। ये पिछले 20 साल से ऐसी चेंजिंग चल रही है, यही हो रहा है। बट PSL देखिए, पहली बात तो याद रखें कि PSL वो ग्राउंड नहीं है जहाँ से आपको खिलाड़ी मिलते हैं, लेकिन वो देखिए खिलाड़ी PSL में कितने खिलाड़ी पहुँचते हैं और पाकिस्तान में कितनी क्रिकेट होती है। और वो जो फ्रेंचाइजी होंगे ना, वो पता क्या कहेंगे, हमारी टीम का कप्तान होना चाहिए। अच्छा सर सही में मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं, ये तो मुझे बात समझ ही नहीं आती। नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ PSL से क्यों उठाते हैं। देखिए जब आप डोमेस्टिक में जाएंगे ना, डोमेस्टिक में आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, आपके जो फर्स्ट क्लास टीमें हैं 10-12 फिर डिपार्टमेंटल टीमें हैं, आपको वहाँ पर जाके डिपार्टमेंट की तो अब टीम्स नहीं खत्म हो गए ना, अभी दोबारा आ रही हैं। ओके, तो वहाँ पे आपको ग्राउंड में जाना पड़ता है, आपको 4-day मैचेस सुबह से शाम तक बैठकर ग्राउंड में देखने पड़ते हैं, ये कोई 5-6 महीने की फटीक है। और ये यंग बंदा कर सकता है, ये बुढ़ा बंदा नहीं कर सकता, जो 80-85 साल के ये हायर करते हैं। उसके बाद अब PSL में से क्यों पिक करते हैं, क्योंकि AC वाले कमरे में से बाहर आपको निकलना नहीं पड़ता, आप कोट पैंट पहन कर बैठ जाते हैं AC वाले कमरे में, 5 दिन में वो टूर्नामेंट खत्म होता है, 20-20 ओवर्स के मैच होते हैं, वहाँ से ही लॉबी बना देते हैं, ये बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको ले आओ उसको उठा के। अब जब आप प्रोफेशनलिज्म, ये बाकी टीमें क्यों, ट्रेवर्स हेड क्यों आ गया, विलियमसन का रिप्लेसमेंट क्यों आ गया, क्योंकि वो पूरा साल वर्कआउट करते हैं, अपने डोमेस्टिक का एक एक मैच देखने जाते हैं ग्राउंड में, और एक ब्रेक लेता हूं, 9-4 तक वो सर्विस देते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, कुछ दो नई स्टोरीज हैं जो इमर्ज कर रही हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फोन लेना है, तो यू कैन गो टू www.sparks.pk, वहां आप जा सकते हैं और अपनी एक्सेसरीज और फोन जो है वो खरीद सकते हैं, और साथ साथ आप एक रेफल के अंदर एक कुरानदाजी में शामिल हो जाएंगे और ग्रैंड प्राइज जीत सकते हैं फाइनल वाले दिन। सो प्लीज विजिट www.sparks.pk। ऑस्ट्रेलिया हैज जस्ट फिनिश्ड द इनिंग्स, उन्होंने बनाए हैं 388 रन फॉर द लॉस ऑफ ऑल, एंड एक ओवर पहले उनका जो स्पेल है वो खत्म हो गया, बैटिंग स्पेल जो है वो खत्म हो गया। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक न्यूजीलैंड क्या करेगी? देखिए मेरा ख्याल है कि क्योंकि दिन को मैच है और थोड़ा सा मुश्किल होता है दोपहर को बॉलिंग कराना, तो अगर क्लोज ना गई तो मेरा ख्याल है कि फाइट बैक अच्छा करेगा न्यूजीलैंड, क्योंकि जो उनके बैट्समैन हैं सारे वो इन फॉर्म हैं और बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा मैच होगा, वो भी कोशिश करेंगे। डू यू थिंक ये कोई क्लोज मैच हो सकता है ये? मेरा ख्याल है कि क्लोज जाएगा, क्योंकि ये इसमें ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि रात को नहीं है सेकंड टाइम अंडर लाइट्स में बॉलिंग, तो अभी ये दिन को ही बॉलिंग करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, तो इसमें मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा ईजी होगा, और वो अगर मैच जीते ना तो क्लोज लाजमी जाएंगे। अच्छा उधर नेदरलैंड्स ने जीता है टॉस और बैटिंग करने का फैसला किया है, डू यू थिंक क्या आप देखते हैं नेदरलैंड्स वर्सेज बांग्लादेश, एक एक मैच दोनों का जीता हुआ है प्रीवियस हिस्ट्री में? मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया जो है ना, I'm talking about Netherlands and Bangladesh. यार वो हु, अच्छा ओके, सो लेट्स डू दिस, हु इज योर फेवरेट टू विन बिटवीन बांग्लादेश? दोनों एक जैसी टीमें हैं, मगर मुझे नेदरलैंड बेहतर लगती है, उनकी बॉलिंग और नीचे उनका लोअर ऑर्डर जो है वो बड़ा आपस में इनके मैच अच्छा होगा। नेदरलैंड्स कैन विन? मैं भी ओके, व्हाट डू यू थिंक?
देखिए मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके जो नंबर पे उनको मुझे नहीं पता क्यों भेज रहे हैं महमदुल्ला को, क्योंकि बड़े अच्छे बैट्समैन हैं टेक्निक वाइज, और लास्ट मैच में भी उन्होंने 100 किया। तो अगर इस तरह का टेक्निक वाइज अच्छा बैट्समैन इन फॉर्म में हो तो वो मेरा ख्याल है कि इस तरह का मैच को जाने नहीं देंगे, वो एक से दूसरे मैच में भी वो सेंचुरी की तरफ जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का मैं एक चीज़ बताऊँ, देखें आज उन्होंने अच्छा महमदुल्ला का देख लीजिए, इनका करियर जो है वो मैचेज उन्होंने 225 खेले हैं, 5218 रन हैं, 128 की बेस्ट परफॉर्मेंस है, 27 मरतबा 50 किए हैं और 4 मरतबा इनके 100 है, तो डिसेंट इनफ, बहुत अच्छा है। और मेरा ख्याल है कि इनको ऊपर थोड़ा चांस देना चाहिए, क्योंकि अब इनके लिए इतने ज्यादा चांसेस वर्ल्ड कप में नहीं है, तो एक बैट्समैन है उसने सेंचुरी की है उसके बाद वो स्कोर कर रहा है कंसेक्यूटिव मैचेस में, तो उनको ही मेरा ख्याल थोड़ा सा ऊपर नंबर 3 नंबर 4 पे भेजना चाहिए। अभी तक तो उसको 100 करने के बावजूद उसको 6वें-7वें नंबर पे भिजवा रहे, ये समझ नहीं आ रही कि क्यों। सर आई थिंक हर जगह पॉलिटिक्स होती है, और मैं मुझे लगता है कि बांग्लादेश की टीम में भी देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स दैट्स इन्वॉल्व्ड, और जाहिर है हम चाहे बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो इंडिया हो, हम रीजन तो एक ही है ना, तो इस एक ही रीजन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई एम श्योर कि इंडिया में भी ऐसा होता होगा, आई एम श्योर पाकिस्तान में तो होता ही है, एंड ऑफकोर्स बांग्लादेश में भी ऐसा होता है कि यू नो कहीं ना कहीं फेवर्स होते हैं किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे यू नो पांव रख के आगे बढ़ा जाता है, तो आई थिंक ही इज सफरिंग फ्रॉम दैट। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का मैं बताना चाह रहा था, देखें जब ये बात हो रही थी कि न्यूजीलैंड क्लोज जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, मगर मैं एक चीज़ बताऊं, जब आप इतना बड़ा स्कोर फट्टे पे लगा देते हैं ना, तो कितनी भी अच्छी टीम हो वो अंडर प्रेशर जरूर आती है। देखिए आज क्योंकि आपने 8 रन की एवरेज, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को शुरू से चांसेस लेने पड़ेंगे, जिसकी बुनियाद पे आई थिंक विकेट जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो डेफिनेटली देखिए आपने जो देखे ना, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जब एक टीम को 8 रन की एवरेज चेज करनी है पहले ओवर से, गेट गो से, जी बिल्कुल, तो वो तो फिर बहुत चांसेस है ना कि वो रिस्क कॉल हम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आपका नाम? जी मैं रिजवान बोल रहा हूँ लाहौर से। जी रिजवान, क्या मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ, मेरी दूसरी दफा कॉल मिल गई आपके प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया रिजवान, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टीम में जो सिलेक्शन हुई है, सबसे पहले तो जो चीफ सेलेक्टर है ना इंजमाम उल हक साहब, इनको फारिग करें, टीम से निकालें, क्योंकि ये जो चीफ सेलेक्टर बनते हैं सबसे पहले अपने भतीजे को, हो सके भतीजे इमाम उल हक को लेकर आते हैं, उसकी फिटनेस देखें, उसकी क्रिकेट तो जो खेलता है वो देखें, जो क्रिकेट जानते हैं उनको पता है टेक्निकली गलत खेलता है, तो इस काबिल नहीं है कि टीम में खेल सके, क्योंकि मैरिट पे खिलाड़ी देखें। और शादाब खान को निकालें, उसका वो दामाद है क्लैन मुश्ताक का हेड कोच, जो साहब से छोड़ गया 2 साल से वो टीम में खेल रहा है, वो इस काबिल नहीं है कि टीम में सेलेक्ट हो सके, उसको वाइस कैप्टन बनाया हुआ, फिर यही हालत होगी टीम की जो हो रही है, फाशें ये है पसंद नापसंद। और बाबर आजम को लोग कहते हैं क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, तो क्या करें, प्रसाद को करें या इमरान खान को क्रिटिसाइज करें, जो कप्तान है जो अपने दोस्त खिलाता है मर्जी के खिलाड़ी खिलाता है वो इसका जो है जिम्मेदार है, तो सारा कहे अगर जीत जाएगी टीम तो उसी को शाबाश मिलेगी, तो प्लीज़ ये जो करप्शन जो है ना हमारी टीम में और जो कस्बा परवरी है, इसकी वजह से हमारी टीम का ये हालत है हुई है। आपके जो पैनलिस्ट कह रहे हैं उनसे मैं बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ, अब कोई चांस नहीं है हमारी टीम का आने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच रिजवान। आपको हम मलिक स्पोर्ट्स की तरफ से एक साइंड बैट देने जा रहे हैं, जो साइंड बाय अब्दुल रऊफ साहब एंड द लेजेंड सलीम मलिक साहब, और ये हम आपको देने जाएंगे। बिल्कुल सही उन्होंने बात की, आज अगेन आई एम रेफरिंग इट टू आमिर सुहेल, उन्होंने भी ये कहा है कि आई थिंक एनजी भाई से कहना चाहिए कि यू शुड लीव, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आई थिंक वो जब सवाल किया गया इकबाल भाई साहब उनके साथ, उन्होंने सवाल किया कि अगर वो नहीं जाते फिर उन्हें कहा सैक कर देंगे, कहना सैक करेंगे तो 12 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। सर ये देखें ना, सारे के सारे अपनी जाती इंटरेस्ट के लिए आते हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कौन है, इन्होंने अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन किए हुए हैं कि नुकसान इन द एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और पाकिस्तान का होगा, जब तक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में फैसले नहीं होंगे। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जिस तरह ये कॉलर फोन कर रहे हैं, इनके सामने ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं जिन नाम ने आज लेजेंड्स बने हुए हैं आपके, और ये अपने पर्सनल एजेंडा को सामने रख के पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन कर रहे हैं, और देखें कि मेरा ख्याल है कि उसको अब सैक करने का क्या फ़ायदा, जब डैमेज हैज़ बीन डन तो आप बाहर हो चुके हैं, तो अब इसको सैक करने का क्या फायदा, आपको पहले देखना चाहिए था कि 2007 में क्या हुआ। उन्होंने ये कहा है कि अगर वो नहीं जाते, वो इस्तीफा नहीं देते, तो फिर
उन्होंने कहा फिर उनको सैक कर दें, तो उस पर इकबाल भाई ने कहा कि अगर सैक करते हैं तो 12 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। सर देना पड़ेगा क्योंकि आपके मिकी आर्थर के साथ भी यही कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि अगर वो आप उनको सैक करेंगे उनकी बैड परफॉर्मेंस से तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। और देखें ना किस किस्म का ये सर, दिस इज व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कॉन्ट्रैक्ट की शिक कैसे हो सकती है कि आप अगर किसी को लेट गो कर रहे हैं तो आपको उनको पूरे पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है। चाहे पाकिस्तान जीते या हारे ये तो मैं शुरू से बात कर रहा हूं कि सबका पर्सनल एजेंडा है, किसी का पाकिस्तान का इंटरेस्ट सामने रख के कोई फैसला नहीं है। यही मैं हायर अथॉरिटी से अपील करता हूं कि भाई खुदा के वास्ते इस मामले को सीरियसली ले, ये अपने एजेंडे को सामने रख के फैसले करवा रहे हैं और पाकिस्तान को शदीद डैमेज कर रहे हैं। जब तक आप इस चीज का नोटिस नहीं लेंगे, इनका ऑडिट नहीं होगा, आप इनसे पूछगछ नहीं करेंगे, ये तो आगे भी 2-2 साल की कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने इंटरेस्ट में सामने रख के, पाकिस्तान बैकफुट पे रहेगा। मगर रऊफ ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है 1 माह की नोटिस पे आपको निकाला जा सकता है। इन्होंने स्पेशली इस दफा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए हैं अपने मफादात को सामने रख के, और ये तो देखे ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रिजवान और इंजामुल हक तो खुद उस कंपनी में शामिल है जो कि प्लेयर्स को एजेंट क्या जो प्लेयर्स को एजेंट हायर करके देती है। मतलब क्या ये एक याजू इंटरनेशनल कंपनी है जो जिसके शेयर होल्डर्स हैं इंजामुल हक और मोहम्मद रिजवान और सलीम खालिक ने स्टोरी लिखी हुई है उसमें जंग अखबार में, उसमें एक्सप्रेस पे या जंग में स्टोरी आई हुई है पूरी आ जाइए। और क्या है स्टोरी इसमें? यह है कि ये शेयर होल्डर्स हैं, एक याजू इंटरनेशनल कंपनी है जो कि जिस जो जो प्लेयर्स के एजेंट हैं वो भी हायर करती है और ये डील करवाते हैं उसके साथ, जो प्लेयर्स की अभी डील हुई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की थ्रू एजेंट वो भी इनके थ्रू ही हुई है और इस सब में इनके मफादात। तो ये जो फट डला हुआ था कि हम नहीं जाएंगे इंडिया, ये इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा था? बिल्कुल इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी के फैसले करवाए हैं टीम। नो बट होल्ड ऑन वन सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि देयर इज अ कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स हैं इंजी एंड मोहम्मद रिजवान, रिजवान द विकेट कीपर रिजवान, जी रिजवान, दैट्स न्यूज टू मी। बहरहाल ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये खबर सच है तो देखें जब तक इसकी वैलिडिटी नहीं, वेरिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक हम कोई बात नहीं कर सकते और ये हमें करनी भी नहीं चाहिए, तब तक कोई बात नहीं करनी चाहिए। सर भाई इससे इनको क्या फायदा होना? सर इसमें यह है कि इंजामुल हक ने खिलाड़ियों से मुज़ाकरात करके उन्हें तारीख में पहली बार आईसीसी की आमदनी से भी शेयर दिलाया जबकि तनख्वाहों में भी 200% तक इजाफा करवाया। इंजामुल हक, मोहम्मद रिजवान और प्लेयर्स के एजेंट एक ही कंपनी याजू इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिकान में भी शामिल हैं। अगर स्टोरी सच है तो आई थिंक फिर को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरूर है, फिर तो इसमें तो कोई शक नहीं। बट और जाहिर है अगर उन्होंने रिसर्च करके लिखा है तो वो बट आई थिंक लेट्स सी हाउ इट ऑल। लेकिन पाकिस्तान हमारे लिए फर्स्ट होना चाहिए, हमारे जितने भी फैसले प्रायोरिटी शुड बी द कंट्री। अपने देखें हॉकी का क्या हाल किया, हम 4 दफा वर्ल्ड चैंपियन, 5 दफा के ओलंपिक चैंपियन थे, स्क्वाश में हम ब्रिटिश ओपन और वर्ल्ड ओपन चैंपियन रहे, अब हम कहाँ पे सफर कर रहे हैं? और यही हाल एक गेम जो क्रिकेट है उसका भी हम करने जा रहे हैं ना, हमें भी क्वालिफाई करना पड़ा करे और हम क्वालिफाई भी नहीं कर सर। वेस्ट इंडीज जिसको आप लोग काली आंधी कहते थे, वेस्ट इंडीज जिसके अंदर काली चरण जैसे, मेलकम मार्शल जैसे, विविन रिचर्ड्स जैसे, डेसमंड हेन्स जैसे, गोर्डन ग्रीनिट जैसे, यू नो कोर्टनी वॉश जैसे, माइकल होल्डिंग जैसे, आप नाम ही नहीं खत्म होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ वो लोग ऐसे लोग शामिल थे और वो जब उतरा करते थे तो फिर ये पता होता था कि उन्होंने कब जीतना है, कैसे जीतना है। तो और देखें आज क्या हाल है कि आज उन्होंने वर्ल्ड कप का क्वालिफायर खेला है और उसमें हार गए वो, एंड देयर आउट। एक टेलीफोन कॉल है, दिस इज ऑनलाइन। सलाम अलैकुम जी। सलाम अलैकुम जी। सलाम अलैकुम, आपका नाम? सुहेल बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी सुहेल, क्या कहेंगे? ये मुझे ये कहना है कि ये जो हमारे अब्दुल्ला शफीक हैं ओपनर, हेलो जी जी अब्दुल्ला शफीक की जगह पे होना चाहिए था तैयब ताहिर को या फिर आबिद अली को होना चाहिए था, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने अभी तक पाकिस्तान की जानिब से कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला हो तो पाकिस्तानी टीम में उनको क्यों खिलाया जा रहा है। और दूसरा ये है कि हमारे जो फखर जमान है उनका रिकॉर्ड अच्छा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उनको कल वाले मैच में खिलाना चाहिए था, लेकिन हमारी टीम में अच्छा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ अब्दुल्ला शफीक ने फर्स्ट क्लास मैच खेला है नहीं खेला। मैं आपका ये सवाल जो है ये इनको दूंगा, रऊफ को, रऊफ जवाब दीजिए। देखिए अब्दुल्ला शफीक फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कम खेले हैं और उनको साथ रखा था और डेवलप किया था जो पाकिस्तान की सबका मैनेजमेंट थी, और उसके बाद फिर वो क्योंकि टेक्निकली अच्छे थे टेस्ट मैचेस में उनको चांस मिला, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ना जो डेब्यू मैच था उस पर सेंचुरी स्कोर की और फिर आगे एक और टूर्नामेंट में भी इवन वर्ल्ड कप में भी टेक्निक वाइज अच्छे हैं, उन पर उन्होंने हार्डवर्क किया, उनको चांसेस वगैरह दिए, तो वो अच्छा टेक्निक वाइज मेरा ख्याल है कि 50 ओवर के क्रिकेट में
इससे बेहतर प्लेयर नहीं है, तो इसी वजह से वो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। आगे जाके थोड़ा सा उनको और मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को, जिस तरह बाकी प्लेयर्स हैं अपने 40 से 50 रन को 100 में कन्वर्ट करते हैं, तो वो 50 रन पे आउट हो रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा और अब इस चीज पे मेहनत करें, फोकस करें, तो वो बढ़िया नहीं खेल सकते। अच्छा, आई गो बैक टू व्हाट सलीम भाई सेड बिफोर द मैच स्टार्टेड यस्टरडे। सलीम भाई सेड कि आप हम फखर जमान को खिलाना चाहिए और हमने फखर को नहीं खिलाया, व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? देखें, वो बात तो वो है ना कि कैप्टन जो, देखें कोई भी कप्तान होता है ना, उसको बहादुरों की तरह डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर आप डिसीजन अच्छे नहीं लेते, आप डरते हैं। देखें, कल जो आखिरी ओवर करवाया गया वो एक डिसीजन था जहां आपने शो करना था कि मैं हूं ग्राउंड में, आपने बाहर से पूछ के डिसीजन लिया। तो बात ये है कि ये टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, वेरी क्विकली योर प्रेडिक्शन, नेदरलैंड्स वर्सेस बांग्लादेश, कौन? नेदरलैंड में, नेदरलैंड्स, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ओके जी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट जी, आपसे मिलेंगे 11 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।